सवाल है दोस्तों, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पहली बार कोहे सफा पर हक की दावत दी तो पहली मुखालफत किसने की? जवाब है दोस्तों, पहली मुखालफत अबू लहब ने की थी, बुखारी शरीफ। सवाल है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तोहबंद शरीफ कहां तक होता था? जवाब है दोस्तों, तोहबंद शरीफ आधी पिंडियों तक रहता था, बुखारी शरीफ। सवाल है दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तलवार मुबारक का दस्ता यानी कि कब्जा किस चीज का बना हुआ था? जवाब है दोस्तों, तलवार का दस्ता चांदी का बना हुआ था। सवाल है दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने कब मखलूकात की तकदीरों को लिखा था? जवाब है दोस्तों, ज़मीन आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले। सवाल है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो अल्लाह पाक के कौन से नबी हैं कि जिन्होंने कभी कोई पेशा नहीं अपनाया? जवाब है दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी कोई पेशा नहीं अपनाया। सवाल है दोस्तों, अल्लाह पाक के नबी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का निकाह किस नबी की बेटी से हुआ था? जवाब है दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी से हुआ था। सवाल है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदाए मुहतरमा का क्या नाम था? जवाब है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम राहील था। सवाल है दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त फिरौन के शहर से कोच किया तो उस वक्त आपके साथ कितने बनी इसराइली थे? जवाब है, उनके साथ 6,70,000 बनी इसराइली थे। सवाल है दोस्तों, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले अपना और अपनी औलाद का खतना किया था? जवाब है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना और औलाद का। सवाल है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन से नबी हैं जिनके बाल सबसे पहले सफ़ेद हुए थे? जवाब है दोस्तों, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाल। सवाल है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो अल्लाह पाक के कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले दाढ़ी तिरछवाई? जवाब है दोस्तों, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले सिला हुआ पायजामा पहना? जवाब है, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहना। सवाल है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी हुई थी? जवाब है दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल हुई खासन। सवाल है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो अल्लाह पाक के कौन से नबी हैं कि जिन्होंने सबसे पहले
नाखून तराशे। जवाब है दोस्तों, हज़रत सईदना इब्राहीम अलैहि सलाम ने तराशे। सवाल है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले कत्ल का तरीका जारी करने वाला कौन है? जवाब है दोस्तों, काबिल, क्योंकि पहले उसने भाई हाबील को मारा, कत्ल किया। सवाल है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक के किस नबी ने 80 साल की उम्र में अपनी खतना की थी? जवाब है दोस्तों, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहि सलाम ने की। सवाल है दोस्तों, वो अल्लाह पाक के कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले सोने से अशरफियाँ बनाई थीं? जवाब है दोस्तों, हज़रत आदम अलैहि सलाम ने सबसे पहले बनाई। सवाल है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कपड़ा बुनने का काम अल्लाह पाक के किस नबी ने किया था, यानी कि कपड़ा बनाने का काम? जवाब है दोस्तों, हज़रत आदम अलैहि सलाम ने किया था। सवाल है दोस्तों, वो अल्लाह पाक के कौन से नबी हैं जिनको उनके इलम की वजह से बादशाहत अता हुई थी? जवाब है दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहि सलाम को इलम ने बादशाहत दिलाई। सवाल है दोस्तों, वो अल्लाह पाक के कौन से नबी हैं जो अपनी खता पर इतना रोए कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती? खता यानी कि गलती। जवाब है दोस्तों, हज़रत आदम अलैहि सलाम अपनी खता पर रोए, क्योंकि